कहना है, क्या कहना है, बहुत सुंदर है। कौन बिनवा शिकार हो जाइबू, बहुत सुंदर। शिकार हो जाइबू साथियों, विजयलाल यादव और पूरी टीम एक बार फिर से आपके बीच में है, हमारे बड़े भाई कवि जी प्यारेलाल कवि जी की स्टूडियो में, संधा वाराणसी कॉलोनी वृंदावन, एक गीत की प्रस्तुति करने जा रहा हूं आप लोगों के विशेष डिमांड पर। क्या गाऊं, क्या बजाऊं, कहां तक गाऊं, कहां तक बजाऊं। देश हमारा है, जिस देश पर हजारों लोगों ने अपना जान दिया, लाखों लोगों ने अपना जान दिया, जंगे आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दिया, उनकी आत्मा भी बिलख बिलख कर रो रही है। क्या हमने जो जंगे आजादी का दीप जलाया था, अपने लहू से जलाया था, क्या उसका हश्र यही होगा। हृदय विदारक घटना जो हाल ही में कलकत्ता में घटी, प्यारेलाल कवि की लेखनी बयां कर रही है। क्या क्या है सुरक्षित कहां, प्रश्न है, क्या है सुरक्षित कहां, अब बहन बेटियां, अब सुरक्षित कहाँ है वतन ये हमारा, किसके दिल में छिपी कैसी बदनीयता, किसकी नैया डूबी बिन मिले ही किनारा, आदमी जानवर से भी बदतर हुआ, क्योंकि दिल में बढ़ी जा रही उसके हिंसा, आज अस्तर ही अब इस कदर गिर गया, अब कहां चल गई गांधी जी की अहिंसा। दुख होता है, कवि जी कहते हैं कि आदमी जानवर से भी बदतर हुआ, क्योंकि दिल में बढ़ी जा रही उसके हिंसा, आज अस्तर ही अब इस कदर गिर गया, अब कहां चल गई गांधी जी की अहिंसा। सत्याग्रह करके देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करके यह जनमानस हिंदुस्तान के पटल पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोगों के आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू नजर आता है। गांधी का वह देश, सुभाष चंद्र बोस का वह देश, शहीदों के खून से सींचा हुआ यह तिरंगा झंडा जो लाल किले के प्राचीर पर उड़ रहा है, बार बार बांग लगा रहा है मास्टर और सामय गजल, आशिकाना गजल हो और बिल्कुल नई गजल हो, यही बिरहा में शुरुआत हो,
जैसन की हमार क्वालिटी है आप लोग जानेला इकट्ठे जौन हाँ कौन लेके कुल बिरहा में कुल जगह हम ना घूमित हम कुछ अलग कैल चाहिए आप लोग के लिए बिरहा के लिए युवा पीढ़ी के लिए ठीक है काबे में तेरा जलवा लेकिन अब तनी सो वहां से उतर के हर भी आवे को हुई गजल कौन हो मास्टर किसी आशिक ने मासूका से कहा क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कोई शक है क्या का शक तो नहीं है तो आशिक कह रहा है गजल के भाव बा तुझको मेरी कसम तुझको मेरी कसम तुझको मेरी कसम सच बता वे वफा तुझको मेरी कसम सच बता बेवफा शायर कहता है तोड़ कर दिल मेरा अरे तोड़ कर दिल मेरा अरे तोड़ कर दिल मेरा क्या मिला ओ बेवफा तुझको मेरी कसम सच बता लेकिन बिरहा का भाव कभी जी निकलन या बताइयों से कहना है कि जुर्म करके तुझे जुर्म करके तुझे जुर्म करके तुझे निर्दयी क्या मिला तुझे निर्दयी निर्दयी ऐसी करके खता क्या मिला निर्दयी यही जैसे कहानी को शुरुआत भई निर्भया कांड का वह खून अभी ताजा है हाथरस में मनीषा का उठा जनाजा है मणिपुर जल उठा था अग्नि के उस ज्वाला से कौन सा बदला लिया लोगों ने उस बाला से मार कर ताला मुंह में बैठी है सरकार वहां परस्ता बादल साल लोहू का है फब्बार जहां कौन विश्वास करे शासन या प्रशासन पर जवाब दे दो दिल्ली वाले उस सिंहासन पर धरा पर फैले रावण कंस का खानदान जहां धरा पर फैले रावण कंस का खानदान जहां वतन या बेटियों का क्यों न हो अपमान वहां कभी जी ने अपना डिसीजन दे दिया कि धरा पर फैले रावण कंस के खानदान जहां वतन या बेटियों का क्यों ना हो अपमान वहां कैसे इस धरती की अब रक्षा होगी कभी जी एगो तर्ज लिखा थमन जोन बिल्कुल नई तर्जमा कैसे मास्टर
आए हाय हाय, कितना कंपोजिशन बढ़िया बा। हमारे रिकॉर्डिंग समार छोटा भाई रिकॉर्डिंग राजेश बाबू बैठल हूँ, सुनाई नहीं तर। अरे मल्लिका ना नाई हो का बने वे के पीछा आसमान ले बुका, चांद सूरज आसमान ले बुका, बोला बोला ए सोना, बोला बोला ए सोना हमार जान ले बुका। ये दिल्ली के बड़का साहब से सवाल है, इके बड़का साहब है आप लोग जानत हो कैसे। अरे मलिकाना हो तोहार तू ही बड़ा जिम्मेदार, यही तरह बिटियन का जान जाई हो। बोला बोला ए साहेब, बोला बोला ई कहवा हिंदुस्तान जाई हो, ममता देवी रहली देवनाथ के दुलारी, कलकत्ता में ममता बेटी रहली अरे देवनाथ के दुलारी, आ डॉक्टरी पढ़े तो करत रहली तैयारी, लेकिन अरे अजमावे ले नसीब भले रहली गरी, जमावे ले नसीब भले रहली गरीब, अरे यही तरह सब कर सम्मान जाई का, यही तरह सब कर सम्मान जाई का। बोला बोला ए साहेब, बोला बोला ई कहवा हिंदुस्तान जाई हो। ममता बिटिया, बाबूजी देवनाथ जी की सुपुत्री, माता पिता अपने बेटा और बेटी को कितना बढ़िया से पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी बिटिया ममता को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया है। लेकिन एगो तर्ज फिर बदल गई बा मास्टर, इठे दुलहिन अपने दुल्हा से कहत बा मास्टर, कैसे गीत बड़ा सुंदर बा कोनो दुलहिन कहत बा। अरे हो गई नी पूरा डेकोरेट बलम करिया ऊपर नीचे सेट बलम, अरे हो गई नी पूरा डेकोरेट बलम
करिया ऊपर नीचे सेठ बलम। अरे बेरी बेरी सर के अक्षर वाई ना पीने लगा दी अड़ जाई। अरे सड़िया पटालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिने के पड़ जाई। लेकिन मौमिता अपने पिताजी देवनाथ बाबूजी से कहती है, ए पापा देखिए बिटिया क्या है। अरे मैट्रिक इंटर तक लेनी हम बीएससी पढ़ाई अब भइल खत्म। बीएससी पढ़ाई खत्म हो गई। मैट्रिक इंटर तक लेनी हम बीएससी पढ़ाई अब भइल खत्म। कैले बानी तैयारी आए पापा, कैले बानी तैयारी आए पापा, मेहनत बढ़ चढ़ चढ़ के करब। अरे अब तो पढ़ब डॉक्टरिया डिग्रिया पूरा पिताजी को के रह। अब तो पढ़ब डॉक्टरिया डिग्रिया बहुत या ये पापा बाटे आर जी मेडिकल कॉलेज पापा। एडमिशन करा दिलाई मेज पापा। अब दिन कराया मेरी आये पापा, अब दिन कराया मेरी आये एग्जाम पास कुल के रहब। अब तो पढ़ब डॉक्टरिया डिग्रिया पूरा पिताजी को के रहब। हम सभी पिता हैं, हमारे पास बच्चे हैं, जिनके पास नहीं है तो कल होंगे। लेकिन बच्चों की ख्वाहिश हर माता पिता अंतः मन में रखता है कि उनकी हर ख्वाहिश पूरा करें। अपने बेटी को कहते हैं कि बेटी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो, जहां तक मन आए वहां तक पढ़ो, मैं तैयार हूं। बिरहा में तर्ज बदल गई, अभी तरी बिरहा का ऊ तर्ज बा कि वो जमाने से लेके आज तक के तर्ज का लहर खत्म ना भइल मन में। वह गीत बा कि गज भर के, अरे गज भर के गुजारिया गजब कर हो। भले ही बाप तोहर हुए एक गरीब बिटिया, अरे फिर भी कितना हम पानी खुश नसीब बिटिया, अरे फिर भी कितना हम पानी खुश नसीब बिटिया, रे भले ही बाप तोहर हुए एक गरीब बिटिया।
आदमी के विषय में कभी कहलन कि हर वहर से रुपया पैसा जुटवल ममिता के जाके एडमिशन करवल कहते हैं देवनाथ ममिता के पिता कि पैसे की चिंता मत करना, ये भार लेके मत रहना कि पैसा कहां से आएगा, हम पैसे की व्यवस्था कर देंगे। बेटी तुम पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है डॉक्टरी पढ़ने की तो पढ़ो, हम पढ़ाएंगे तुझे, लेकिन तर्ज को फिर बदल गिलबा मास्टर। बड़ी बेजोड़ गीत बा और पूरे भोजपुरी जगत के इतिहास में 2 महीना तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में गीत चलत रहल प्यारेलाल कवि जी के लिखल गीत। ऐसा अब तक भोजपुरी के इतिहास में नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यते, लेकिन प्यारेलाल कवि की यह की 2 महीना तक ऑल वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में चल रही थी नायक नायिका के प्रतिभा। अच्छा कबो कबो ये नजर बड़ी खतरनाक होले, लागला कि आदमी ताकत नहीं खे लेकिन ताक लेला, लागला कि आदमी हंसत नहीं खे लेकिन हंस लेला, इन नजर अच्छा नजरिए तो हाँ यही से तेरे गीत पहले गवाई रहे केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा लेकिन कह के गई सूरदास नजरिया के दोष बा। यही से ये महेंद्र अपने आँख सूरदास फोड़ लिया हूँ आ तो हूँ तो फोर ही जात रहा राम कुल भाई रोक लिया हुआ जायदा धन्यवाद है भाई, लेकिन गीत कितना बढ़िया बार है कभी आया है। नायक नायिका के बीच का भाव रहे, अरे देखता नहीं मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा ताड़ा, अरे टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, अरे कथी चले तोरे मन में संवरिया हो, अरे कथी चले तोरे मन में संवरिया हो, हटे हटा वाले ना हटे नजरिया हो, हटे हटा वाले ना हटे नजरिया हो, जानवर गोरी मरूम कलर सड़िया, लेकिन लड़की तैयारी कर रही है मन में ये कई भाव है कि डॉक्टर बन करके निकलूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। देखा कुछ लोग वो अपना पैसा रुपया कमाई के फेर पड़ेला, कुछ लोग समाज में ही बा कि हम अगर कोनो वादा पर चल जाए तो समाज का सेवा करब, वो लड़की सोचती है, लेकिन वही कॉलेज में एक व्यक्ति के आवागमन बा कौन बा, कॉलेज में संजय राय रोज रोज आवत रहे, अरे ममता से ऊ अखिया लड़ावत रहे, ओकर परिचय बा, अरे जवन करत रहे पुलिस के मुख बिरिया हो,
दिन से मीनार के पहुंचल भितरिया, एक दिन से मीनार के पहुंचल भितरिया हो, गिधवा गौरवले बाछी रहिए पर नजरिया। पढ़ते पढ़ते सेमिनार खत्म हो गया है, मौमिता पढ़ते पढ़ते और वहीं सोख गई है। सेमिनार खत्म हो गया है, पढ़ते पढ़ते मौमिता वहीं सो गई है। पुलिस का मुखबिर कभी कभी पुलिस की वर्दी भी पहन लेता था, संजय राय बताया गया उसका नाम। आया और जवान सोई हुई मौमिता पर एक नजर पड़ी, शराब के नशे में है, एक चक्कर आगे गया फिर मुड़ करके पीछे आया और वहीं खड़ा हो गया। कंधे ख्यालों में डूबने लगा, तक कभी जी लिखत हूं, अरे खाना खाक मोमिता हो सेमिनार हाल में, खाके ममता हो सेमिनार हाल में, आ दू बजे रात सुतल रहली बेहाल में, छेड़ा खानी कर नदानी अत्याचारिया हो, करे छेड़ा खानी कर नदानी अत्याचारिया की, गिधवा गड़ल बाची रही है पर नजरिया। सोई हुई है सुतल मुंह खोला, पढ़ते 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 थक गई, वहीं कुछ खाना खाई, बोतल का पानी आधा पी करके आधा रखी है हाल में। बेचारी मोमिता पढ़ते पढ़ते थक गई है और मानसिक थकावट हो ही जाती है, सो गई वहीं। तो कभी लिखते हैं कि दबे पांव उस ठाम है संजय हुआ है उसके पास खड़ा, दबे पांव उस ठाम है संजय हुआ है उसके पास खड़ा, लेडी डॉक्टर ममिता पर वह अत्याचारी टूट पड़ा। झटक के बोली नींद टूट गई, झटक के बोली तुरंत ममिता कैसा नीच अनाड़ी है, आ तड़तड़ थप्पड़ गाल पर तुरतर खींच के उसके मारी है। उठ करके बैठ गई ममिता और थप्पड़ की बरसात करने लगी, ताड़ 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 थप्पड़ चलाने लगी। हुआ क्रोध में आग बबूला खींच के एड़ा मारा है, जूता पहना हुआ था और एड़ा खींच करके चलाया। हुआ क्रोध में आग बबूला खींच के एड़ा मारा है, और टूट के चश्मा धसा आंख में नशे में धूत हमारा है। गर्दन पकड़ा इतना जोर से गले की हड्डी टूट गई, नग्न किया है उसे कमीना आखिर बेचारी लूट गई। हाथ को तोड़ा पांव को तोड़ा पेट को घायल कर डाला, अब मरी छोड़कर पुलिस चौकी में सोया जाकर मतवाला। मार दिया उस लड़की को, लेकिन सारे पोजीशन को देखने के बाद यह बात मैं अपने मन से कह रहा हूं कि बहुत बलिष्ठ और हृष्ट पुष्ट नहीं था वो संजय राय। ना पता क्यों बिरहा गाते गाते मेरा दिमाग जा रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि अकेला वो संजय राय नहीं था जो उस बेटी के साथ छेड़खानी किया और उसे लूट लिया, उसके साथ और भी लोग थे। ये मेरा मन कह रहा है कि संजय राय से लड़े खातिर वो लड़की अकेले काफी रहा, दो चार लोग और साथ में रहे, ऐसा मुझे लगता है जो भी हो। लेकिन प्रकाश में संजय राय का ही नाम आया, बूट पहने हुए हराम ज्यादा और उस लड़की के चेहरे पर बूट से मारा, चश्मा फूटा आंखों में धस गया, घायल होकर के तड़प रही है, लेकिन आबरू तो लूटी गई,
और यह लीला भी समाप्त हुई। ये हो क्या रहा है देश में? विपक्ष की आवाज को बार बार दबाने का प्रयास, बेटियों को बलात्कार करके उनकी बॉडी को जला देना, उनके परिजनों को न देना, क्या इसी दिन का ख्वाब देख करके जवानों ने अपनी जवानी को बलि की वेदी पर चढ़ाया था? तो कभी कहते हैं, सवाल करता है हिंदुस्तान का बच्चा, बच्चा सवाल करता है, अरे घटना में क्या सरकार कर रही, शासन और प्रशासन बैठा चुप्पी मार। 8 अगस्त की रात भयानक और गई एक बेटी की जान। हुआ सवेरा खबर मिली है और माँ पिता दोनों अनजान। आ रात की ड्यूटी में थी मौमिता और छलकारी बन गया नदान। तलब तलब के रोवे माता ई का कैला है भगवान। ममता के माता पिता लाश के पास खड़ा होकर के डॉक्टरों से और पुलिस से और पब्लिक से रो रो करके एक बात कहते हैं। मास्टर क्या कहते हैं? कि दवा देना कराना निराश ये सा, अरे दवा दे दो करना निराश ये साए। कैसो जगाता हमारी बिटिया के, और बेटी को बाहों में भर लेती है। मौमिता को कहती है कि देखो ना, अरे देखो ना चलत बाटे सांस ए साए, अरे देखो ना चलत वही सांस ए साए। कैसो उठाता हमारी बिटिया के, ममता के पिता देवनाथ और सीनियर डॉक्टरों की कलाई पकड़ के कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कपन आर बने डॉक्टर यहाँ बन गई मरीज हो, सन कर हाल पवन कैलस बदतमीज हो, अरे खूनवा में सनल बाली बास ऐसा है, अरे खूनवा में सनल बाली बास ऐसा है। चलन हवा का हमारी बिटिया के, माई को
करवाई तो करेजा भारत बा। माई कहत बा कि बेड पर ही सुते वाली, बेड पर ही सुते वाली सूतल बाड़ी भूया, हमहू के लगा द साहब जहर कसुइया, हमहू जाई कि नहीं के साथ ये साहेब, हमहू जाई कि नहीं के साथ ये साहेब केहू जगात हमारी बिटिया के, कितना कहूं कम है। परिवार का अपना बच्चा चाहे कोई परिवार का हो, जब संग छोड़ देता है तो परिवार को कितना कष्ट होता है। वह तो बेटी बिचारी पढ़ करके अब धीरे धीरे अपना रिसर्च पर भी काम शुरू कर रही थी, डॉक्टर कहकर के लोग बुलाने लगे थे मोमिता को, लेकिन अब ऐसा समय आया, कैसी दृष्टि पड़ी, सुबह हुआ कोहराम मच गया, शासन प्रशासन मामला को दबा देना चाहता है, लेकिन जनता की आवाज, जनता की आवाज के आगे किसी की नहीं चलती। कवि जी भाव लिखते हैं, अरे ललकार ले जनता भयल सबेरा धरा लुटेरा के, अरे ललकार ले जनता भयल सबेरा धरा लुटेरा के, आई अस्पताल के घेरल मार के घेरा धरा लुटेरा के, पुलिस आ गई तुरंत जीप दौड़ाई हो, अब पुलिस चौकी के बैरिक में अरे पापी दयाल धराई हो, अरे पुलिस चौकी ही रहल सुता के डेरा धरा लुटेरा के, और रोज कराई पुलिस का थाना मेरा धरा लुटेरा के, जो रोज कहता था कि पुलिस भी हमारा है थाना भी हमारा है, कभी कभी उतार के वर्दिया पहिर के कबू कबू निकल जा बाजार में, ऐसन हो 840 हो 420 के तो कमी ना यू जो हूँ, लेकिन ऐसा 840 के हूँ महेंद्र। कभी जी भाव लिखत हुआ कैसे कि शंका कसुई हो, अरे पुलिस पर भी अटकल भैया, अरे संजर आया रहा पुलिस का मददगार, सोल में लगल रहा
महल कुनावा भैया बैकग्राउंड देखा का कि संजरा ये तैले रहले चार गो पिया हवा भैया कुछी में ना जोल लाऊ पपिया भैया सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो इधर से जब जा रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ वायर झूल रहा था और उधर से जब निकला तो वह वायर उसके गर्दन में नहीं था, घटना स्थल पर गिरा हुआ मिला। पुलिस ने बार बार चेक किया लोगों के मोबाइल में लगा करके, लेकिन संजय राय के मोबाइल में जब लगाया गया तो लग गया, पकड़ा गया, लेकिन पकड़ जाने से कुछ नहीं होगा। इस धरती पर इतनी खूबसूरत यह धरती है, इसको बचाने के लिए लोगों ने हरियाली को भूल करके और लहू के लाल रंग को ही अपना वस्त्र और अपना रहना ओढ़ना पहनना बना लिया था। लेकिन आज संजय राय जैसे लोगों के चलते सिसक सिसक करके हमारी बहन हमारी बेटियां भारत मां सिसक रही है। लेकिन कवि जी सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर कब तक, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो वहीं बेटियों की इज्जत की रखवाली भला कौन करेगा, यह सवाल कर रहा है आम जनमानस। कैसे मणिपुर के, अरे मणिपुर के दुख से हर इंसान जल उठा की घटना कलकत्ता की सुन के हिंदुस्तान जल उठा। लाइन बड़ी सुंदर है, घटना कलकत्ता की सुन के हिंदुस्तान जल उठा, लेकिन विरह का भाव बा कैसे कि आज करी है जुल्म जुल्मी बन के सत्यानाशी। सबसे दुख का बात यह है कि 8-10 साल में लगेबा उनके फांसी। हरामजादों को इतनी लंबी मोहल्लत देने की जरूरत नहीं है। सरकार से अपील है तुरंत फैसला आना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर झुला देना चाहिए। कवि जी भाव लिखते हैं कि कानून के, अरे कानून के हर धारा का फरमान चल उठा कि घटना कलकत्ता की सुन के हिंदुस्तान चल उठा।
धारा का एक फरमान जल उठा, इस पर भी विचार करना होगा। आखिरी लाइन कवि जी लिखते हैं, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं, राम लाल गुरु बच्चन चंद्रिकाए आंसू, घटना से क्या सरकार कर रही, विजय प्यार लाल का सवाल सौ सौ बार, घटना पे क्या सरकार कर रही।